अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है एक लंबे अरसे बाद आपका भाई। भाई मेरी कहानी बहुत लंबी है, इतना आपको बता दें कि हम कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। काफ़ी मन से हमने कोई वीडियो शूट नहीं की। मेरा पुराना मोबाइल टूट चुका था, हमने मोबाइल भी नए खरीद लिए। अभी हमने दो नए मोबाइल ख़रीदे हैं, एक GoPro ख़रीदा है, ड्रोन के लिए भी हमने आगे पेमेंट की हुई है, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। कि हम कंप्लीट चाइना टूर भी करेंगे और आप लोगों को भी साथ घुमाएंगे। मेरी टीम में दो लड़के भी शामिल हो चुके हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं आज तमेशा बीच पे, जो इंजन का बहुत पॉपुलर बीच है और बहुत खूबसूरत है। तो कुछ लाहौरियों से भी आप लोगों को मिलवाएंगे, जो मेरे दोस्त बने हुए हैं, उनको भी लेके जा रहे हैं बीच पे। काफ़ी मज़ा आएगा। ये व्यू चेक करें जिस एरिए पर अभी हम मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत एरिया है शेंजन का। और अभी यहाँ हम लोग ट्रेन में आए हैं, यहाँ से हमने बस लेनी है आगे की, क्योंकि यहाँ से वो बीच काफ़ी दूर है। और लाहौरी जो भाई हैं वो देखे आगे घूम रहा है, लाहौरी वो मज़े मार रहा है, ये वो लाहौरी शॉपिंग मॉल ढूंढ रहा है। तो इंशाल्लाह तआला आज आप लोगों को हम शुगल मेला दिखाएंगे। पता है हमारे चैनल के व्यू डाउन है, लेकिन हम इसको दोबारा से ग्रो करेंगे ऐसे अरसलान इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम मिल के करेंगे शुगल मेले। पानी मानी खरीद लेते हैं यार, मुझे तो वो लेमन वाला पानी चाहिए। बस मैं आपको ऐसी चीज़ पिलाऊंगा अच्छे ही लगेगा। कभी मैंने आपको गलत चीज़ पिलाई है, काम ही है गलत चीज़ें पिलाना। ये देखो भाई, सिर मोबाइल दिखाए और पैसे कट गए। आशीष है, अगर ये अच्छा ना हुआ फिर तेरी। मैं कहता हूँ सर अच्छा ना हुआ ना, अच्छा ही मुझे सोच बैठा एक ने। ये तो उससे भी मजे के है, मान गए लाहौरी बांदरी। अभी वेट कर रहे हैं बस का। इतनी आवाम है, इतनी आवाम की इतनी आवाम मैंने थाईलैंड में भी नहीं देखी, बीच पे रश जितना यहाँ पे। अभी यहाँ से हमने बस लेनी है नेक्स्ट, जो कि हमें यहाँ से एक 10-15 किलोमीटर लेके जाएगी बीच के एरिए में। और यहाँ पे पानी की बोतलें भी मिल रही हैं, सामान भी मिल रहा है, और हम एक लाहौरी बांदरी का वेट कर रहे हैं। ये उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम लोग पहुँच चुके होते हैं। अभी आएगा आप लोगों को उसकी शक्ल दिखाता हूँ। लाहौरी बांदरी आ गई है, ये रही लाहौरी बांदरी, गलत रास्ते पे आ रहा है ये आ गया, इसका हम वेट कर रहे थे। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी, बीप कर देना। आपकी वजह से हम लेट हुए हैं सर, देखिए भाई जुर्माना पड़ेगा आपको। हमने बहुत ये इस बंदे की वजह से आज हम लेट हुए हैं, और इस बंदे को आज शाम का जुर्माना पड़ेगा, और वो हम बाद में बताएंगे। और आया भी देख किस चीज के साथ है, सिर्फ पावर बैंक के साथ। भाई बैग तो ले यार, ये है ना बैग, तू बीच में जा रहा है कहीं। यार मैं ऐसे निकला हूँ तेरी सोच है। लाहौरियों के बीच हम फंस गए हैं, पहले पठानों में फंसे हुए थे, अब लाहौरियों में। ये पहुंचेगा, सॉरी ब्रो, बस करीब है, बहुत करीब है। हाँ मैं बहुत टाइम हो गया, 40 मिनट से वेट कर रहे होंगे। सॉरी यार, एक ही बस में घुसना है। ये माओ भी सौ करना है ना, बहुत रश है भाई, बहुत ज्यादा रश है। वो वाली लाइन किसी और के लिए, ये वाली। अबे ये भी बात है, बस घुस जा, चीन में इतना ध्यान नहीं देते। ये देखो भाई, बस में सिर्फ स्कैन करो और बैठो और जाओ, पाकिस्तान वाला हाल नहीं है और USA वाला। स्कैन करो और बैठो नहीं, स्कैन करो और खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। आवाम ज्यादा है, आवाम ज्यादा है, और लाहौरी भी ज्यादा है यहाँ। लाहौरियों में फंस गए, पहले पठानों में फंसे हुए थे, अब लाहौरियों में फंस गए। अच्छा यार तुम लाहौरियों में फंसे हो, वरना पठानों का मुझे पता है। इससे बड़ा पोर्ट है भाई शेंजन का, यहाँ से भाई सारे कंटेनर जाते हैं भर भर के पूरी दुनिया को, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हमारा बीच आएगा, और आज बड़ा रश है। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं बीच पे, और इतना रश है, इतना रश है, मैं कहता हूं कि दुनिया के किसी भी बीच पे इतना रश नहीं होगा। यहाँ शेंजन के बीच पे है, मैंने थाईलैंड के सारे बीचेस देखे हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पे है। कोई 1.5 घंटा हमें लगा है एक 10 मिनट का सफर करने में, इन लाहौरी बांदरियों के साथ। जुनेद भाई आपने यार रश का तो बता दिया, कोई खूबसूरती भी बताओ यार, कोई है कि नहीं? खूबसूरती तो हमारे आगे जा भी रही है, और मजीद अभी जाएंगे। खूबसूरती के पीछे तो जुनेद भाई पिछले 1 घंटे से पड़े, वो तो अभी जब हम बीच पे पहुंचेंगे फिर पता चलेगा कि खूबसूरती है कि नहीं। भाई ऑलमोस्ट मैं
चार साल बाद आ रहा हूँ, तो अब चार साल बाद देखते हैं क्या। मैं 25 साल बाद बीच का एरिया यार कितना डेवलप है यार, कमाल है। अपनी सेफ्टी के लिए पानी ले लिया, फिर गर्मी होती है और आपको अंदर जो है वो 5 RMB की दे रहे होते हैं। झूठ मत बोल, इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए पानी बाहर से ले। प्लीज झूठ मत बोल, चाइना में 2 नंबर या नहीं होती। बीच पे तो पहुंच गए लाहौरी बांदरियों के साथ, जो रश है भाई, रश कैसे लग रहा है भाई? रश भाई बहुत मजा आ रहा है, लेकिन रश बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है। इसी रश में तो माहौल है जुनेद भाई, इसी रश को तो पसंद कर रहे हैं, यही रश तो, इसी रश की वजह से तो आज बंद हो रहा है, इसी रश की वजह से तो मैं आज आया हूँ स्पेशली यहाँ पे। ओए होए 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 भाई, इतनी आवाम है, इतनी आवाम है, बहुत डेवलप हो चुकी है ये जगह भाई। 4 साल पहले अलग थी, अभी अभी आवाम तो देख, अभी आगे गलती तो नहीं करती कसम से। मैं थाईलैंड के बीचों पे गया हूँ, इस तरह इस लेवल का रश मैंने नहीं देखा, बहुत हाई लेवल का रश है ये। अभी अंदर तो देख, अंदर क्या माहौल है, चलेगा कौन कौन बसाते हैं आंखों में। ओ इन्होंने तो फेस स्कैनर लगाए हुए हैं भाई, अपना पाकिस्तानी माहौल, बड़ा समुंदर है, कौन सा समुंदर है, हमेशा बड़ा समुंदर। वो इन्हीं के साथ घुसो है, वो स्कैनर लगे हुए इन्हीं के साथ घुसो, इन्हीं के साथ। अच्छा ओ भाई, अब हमें निकालो, बहुत रश है भाई, पूरा चाइना ही नहीं आया। वो क्या ही साथ मुझे कह रहे थे, ना जाओ ना जाओ, बहुत रश है। उसको बोल हमारा तेरे साथ क्या काम है, हमने आना है। बहुत रश है भाई, देर इज सो मैनी पीपल, दैट्स वाई वी कम टूडे, बिकॉज वी नो टूडे हैव सो मैनी पीपल्स। हाँ सब कुछ है, अभी वाटर एक्टिविटीज सारी हैं यहाँ पे यार। ये सिटी कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, जो यहाँ आया उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा भाई। लाकर भी लगाए हुए अच्छे यहाँ पे इन्होंने, कंप्लीट बूट मूट रखने हो ना ये लाकर। यार हम भी क्यों अकेले फॉरनर दिख रहे हैं, यही तो मजा है ना भाई, यहाँ कोई फॉरनर आपको नहीं दिखाएगा, 3 लोगों के अलावा 2 लाहौरी 1 बनोची। ओए होए सामने देख, वाटर एक्टिविटीज है, मैंने किया हुआ है ये थाईलैंड में। आई डोंट नो कि यहाँ कितना चार्ज करते होंगे थाईलैंड में, इस नानी राउंड अबाउट था कोई 7,000-8,000। आई डोंट नो, मे बी ये भी होगा चीप, इतना एक्सपेंसिव नहीं, 2-3 हज़ार बहुत है। ये ऊपर जो देख रहे हैं ना सामने, वो पहाड़ के ऊपर तुझे कह रहा हूँ, वहाँ साइकिलिंग लोग करने जाते हैं पहाड़ पे। साइकिलिंग तो नहीं होगी हमसे, मुझसे हो पाएगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। नेत भाई सब कुछ कर सकते हैं। वो सामने देख यार, क्या सिटी व्यू बनाया हुआ है यार, आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा बीच बनाया हुआ है। अच्छा टीम देखना, इनकी सिक्योरिटी चेक कर, बीच की सिक्योरिटी भाई। आओ ना कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ रश कम हो। देख ये तो इधर ही चेंज हो रहे हैं कच्चे मच्चे भाई, यहीं पे सब कुछ गुजर रहा है। वो भी हंस रहा है कि मेरी वीडियो बन गई है यार। यहाँ पे जुनैद भाई तेरा स्टैंड वो बनाते हैं, सैंड कैसे तुझे अंदर दबा के, और किस तरह स्टैंड तेरा, वो जो सैंड वाला मकबरा नहीं होता, क्या कहते हैं, नहाने वाली जगह ढूंढो। अच्छा ये वाटर एक्टिविटीज की जगह है ये, सामने जितनी है ना सारी। जेट स्की का क्या सीन है भाई, करनी है जेट स्की चलाने का क्या चक्कर है, खुद चलाने देगा क्या, मैं पीछे बिठाएगा, पीछे बिठाएगा तो नहीं करना, वो पीछे पीछे बिठाएगा, खुद चलाने देगा, बिठाया हुआ पीछे, पीछे बिठाया हुआ ना, देख सामने बंदों को नहीं। वो दूसरा जो करना है पैरासेलिंग अगर करना है ना, वो बहुत मजे का है, वो मुझे बड़ा मजा देता है उसमें ना, वो तुझे डुबकी भी लगवाते हैं पानी में। बहुत मजा करता है,
ये मेरा फेवरेट है, वो नहाने की जगह सामने इन्होंने लाइनिंग लगाई हुई है ना वहाँ पे नहाने के, यहाँ नहाने अलाउ नहीं है इन जगहों पे, वो जहाँ पे वो बाल्स जो पड़ी है ना वो नहाने कह रही है सारा, इस एरिया में नहा नहीं सकता, ये अलाउ नहीं है। जुनैद भाई अपने व्लॉग में खुद ही बाहर हैं भाई, ये क्या यार थॉर बन गए हो आप तो, डोले बना रहे हैं। मसला ये है कि ऐसी कुछ खूबसूरत चीज़ें देख के जुनैद भाई के डोले ना बन नहीं पा रहे अभी तक। जा रहे हैं जुनैद भाई जा रहे हैं और हम आए हैं इधर ये चेक करें सर, इतना रश हमने किसी बीच पे नहीं देखा। मैं श्रीलंका भी गया हूँ कोलंबो बीच पे जिसका नाम है एक बट, इतना रश मैंने उधर भी नहीं देखा जितना रश मैं इधर देखा, बहुत ज्यादा रश है। थाईलैंड और फुकेट के बीच भी इसके आगे खत्म है, कुछ भी नहीं है भाई, कीड़े हैं कीड़े। रिग्वार है कि मुझे गालियां सिखाने वाला ये है, मुझे इससे पहले कोई गाली नहीं दी आती, अब मैं हर बात बाद में करता हूँ पहले गालियां देता हूँ। ये हमारे जुनैद भाई हैं, लोगों के पीछे छुप रहे हैं, बच्चे तो मिल नहीं रहे, अब अंकल के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि ये बन्नू से हैं जो मिलता है लपेट। हाँ जी, ये हैं जी हमारे रजा भाई लाहौरी स्लैश, ये और ये जबरदस्ती लेके आए हैं यार, बाकी तुम लोग आज मुझे जबरदस्ती लेके। ये देखिए छोटी गुगली मुगली जा रही है अपनी अम्मा के साथ, इससे पहले कि तेरे पे केस करते हो अपने हाथ नहीं करती। ये सोए हुए थे नहीं थे आ रहे, हमारा भी प्लान कैंसिल हो गया यार। नहीं यार असल में बात ये है, ये चेक करें सर, ये चेक यार ये करना है कि मैं उस पे जुनैद भाई को बिठाना चाहता हूँ यार, तुम लोग की भाभी को ले आता मैं आज, अपने कच्चे मच्छे बदलाते हैं, चलाओ आओ। इतना रश है, इतना बड़ा बंदा नहीं दिख रहा मैं तो, मैंने कहा था कि इधर तुम्हें अच्छे अच्छे बंदे नहीं दिखेंगे। जे जे त्योला बहन भाई तेरी गिर गई है, बेटे नु कह रही सी ओ भाई इधर ऊपर से जाना पड़ेगा बहुत रश है। किधर गई हो लाहौरी भाई? ये देखो कमाल की जगह बनाई है बैठने के लिए, प्रॉपरली सिस्टम बनाया हुआ है। ये देख दिल के अंदर अब मैं घुसूंगा सामने, ये सामने दिल के अंदर सीधा। ये झूले तो खा लेते थोड़े, यही है जुनैद भाई जो हमें कब से ढूंढ रहे थे और हम गए थे कुछ खाने क्योंकि हमने आज कुछ नहीं था खाया। जुनैद भाई सुबह उठे थे झूले झूले और खुद ही खाना खा के आ गए झूले झूले। ये ऊपर भी इन्होंने जगह बनाई है। अच्छा ये देख बच्चे इंजॉय फुल माहौल है, कोई कैंचे चला रहा है, कोई मिस्त्री बना हुआ है, कोई उजार चला रहा है, कोई लेट्स गो। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी इसकी, इसके बाद मेरी बारी है तुझे जाने, इसके बाद मेरी बारी है, इसके बाद तेरी बारी है। लेकिन जुनैद भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, आपको हमने धक्का देना है, आपको पूरा राउंड लेके आना है। ओए बंदा मारना है एक ही काम का। मौसम बन रहा है अरसलान, देख बादल, तुझे मैंने कहा था ना कि इधर जब बादल बनते हैं ना तामे शाह पे मजा आ जाता है। सामने देख पीछे पीछे देख बादल, बड़ा प्यारा। ये जगहें पहले नहीं थी, अच्छा अभी यही इन्होंने बनाई हैं और माहौल सही माहौल है उस्ताद जी। आजा 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 बारी बारी लाहौरी, मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? यार मज़ा तो मुझे अभी आएगा जब मैं अंदर जाऊंगा पानी में, पानी में आपको मैं लगता नहाने का दिल नहीं है। नहीं मैं तो नहाऊंगा, मैं तो पहले मैं आया नहाने हूँ, बीच का पानी मेरे जिस्म पे थोड़ा पड़ना चाहिए भाई। चाइना में ना मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, ये देख मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है चाइना में, बीच के ऊपर झूले ले रही हैं मुसलमान लड़कियां, और क्या चाहिए भाई, ये देखो और क्या मांगती हैं, फुल माहौल उन्होंने दिया हुआ है भाई। जुनैद भाई को हमने ऊपर वाली दुनिया में पहुंचा दे, जुनैद भाई फुल स्विंग भाई। जुनैद भाई बचपन की यादें ताज़ा हो गई आपकी, वो तभी रुकेगा पंजाबी में, उसको दो चार गालियां निकालोगे तो बस फिफ्टी परसेंट पे पहुंच गए हम। चल बस कर उसको,
अबे तू डॉक्टर है, तेरे से दवाई भी नहीं दी जानी बाद में। जुनेद भाई को तो जन्नत में ऊपर पहुंचा के छोड़ेगा। क्या खूबसूरत बादल आ गए हैं इस तरफ से, ये देख। चलो अब नहाना नहाना करते हैं, नानो नानो करते हैं, नानो नानो। ये है मेरे ख्याल से चेंजिंग वाला। यार चेंज कर ले, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे। ये चीज भाई, ये चीज, ये चीज भाई, कितनी सेफ्टी है यार, कितनी सेफ्टी रखी हुई है उन्होंने गार्ड्स ने। यार जुनेद भाई बच्चों के मजे लेने की जगह ये। इस बिल्डिंग के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं भाई, इस बिल्डिंग के अंदर, ओए होए होए, इसके अंदर तुझे ले जाओ ना, जो माहौल है अंदर। चलाओ यार जल्दी कपड़े चेंज करें, इसके अंदर लेके जा। चलाओ ना कपड़े चेंज करें ना, चलो बदल ना काम, वो सामने। हाँ हाँ हाँ, जा रहे हैं, इधर जगह नहीं मिली, अंदर आ रहे हैं नहाने, साथ में रजा भाई। ये इधर का बीच है और ये जुनेद भाई गए हैं। हमजा वो है, वो बच्चियां ताड़ है बैठ के, वो बच्चियां ताड़ है, वो है जुनेद भाई। फाइनली जुनेद भाई मिल गए हैं, जो आत्मा की तरह तैर रहे हैं। चले बन रही है भाई। इस बिल्डिंग में हम एक्टिविटीज के लिए नहीं जा पाए क्योंकि रात हो चुकी है, बादल आ चुके थे और हमने नहा लिया है और बाकी हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका था। कमाल का बीच है यार इनका, शॉपिंग मॉल बना के दिए हुए हैं, सब कुछ बना के दिया हुआ है, कमाल की यार सिक्योरिटी बनाई हुई है और कमाल की फैसिलिटीज़ लोगों के लिए बनाई हुई हैं, आउटस्टैंडिंग। कैसा रहा भाई आपका एक्सपीरियंस आज का? यार भाई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, ओहो खाने का भी बहुत मज़ा आया, माहौल और फैसिलिटीज़ कैसी हैं? फैसिलिटीज़ यहाँ की इन्होंने हर चीज़ मुकम्मल की, हर चीज़ आउटस्टैंडिंग है, कोई कंप्लेंट नहीं है भाई। अभी यहाँ पे हमने टूर करना है नेक्स्ट, उसमें ये बिल्डिंग के अंदर जाना है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे ये छोटी सिटी देखेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। ये भाई बीच का नाइट व्यू चेक करो, कमाल का व्यू है और ये एक छोटी सी सिटी इन्होंने बनाई हुई है। अभी के अंदर क्या क्या है, इतनी खूबसूरत ये सिटी। अभी अंदर तो देखो ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। सिटी बनाई हुई है भाई, चलो आओ आगे, इधर से मैं लेके जाता हूँ ना, खाना खाना है ना तुम लोगों ने भाई, चलो आओ इधर अंदर से होके जाएंगे ना, सिटी भी देखते जाएंगे भाई और इंजॉय भी करेंगे क्योंकि ये सिटी लाजवाब है, मेरी फेवरेट है, बहुत खूबसूरत बनाया है टॉप के। ये देख कितना खूबसूरत उधर भी बनाया हुआ है, हर जगह यार कमाल की इन्होंने बनाई। इधर से आओ, टॉप के सारे ब्रांड यहाँ पे, अच्छा पोलो मोलो चोलो सारे। ये देख होप शो, हाँ हर किस्म के ब्रांड है इनके पास। क्या खूबसूरत लग रही है यार ये जगह देख, लाजवाब। ये दिन को और भी मज़ा करता है, ये जो माउंटेन है ना यार, और बादल इसके ऊपर हो, फिर वो कहते नहीं डाढ़ो मज़ो आयो, डाटो मज़ो तो यहाँ है, यहाँ अभी भी मेरी तस्वीरें होंगी पुरानी 4 साल। मैं इधर पहले बहुत आता रहा हूँ,
बहुत खूबसूरत सिटी है, पास टाइम वाला भी नहीं है, और ये पहली बार मैं लड़कों के साथ आ रहा हूँ। कैसी लगी अरसलान ये जगह? तुझे पता है तेरा भाई जो चीज़ सेलेक्ट करता है ना, वो ऐसे नहीं करता। मैंने तुझे क्या कहा था कि तुझे मैं एक छोटी सी सिटी, क्रिकेट टीम की वजह से वो खत्म, रोटी कहाँ मिलेगी ये बता। रोटी की तरफ जा रहे हैं। उस साइड पे जाएगा ना, उधर ये पहाड़ के ऊपर ना इन्होंने ब्रिज बनाया, उधर साइकिलिंग पे करके जाएगा। यार वो क्या जगह बनाई हुई है इन्होंने, ये सामने सारे रेस्टोरेंट है भाई। लिखा हुआ है आई लव शेंजन, वी आल्सो लव शेंजन, नो डाउट, बट आई लव युगांडा। इससे अच्छा शहर और इससे अच्छा मुल्क नहीं है भाई दुनिया में कोई, और ना है और ना पैदा होगा। तू ये लेवल देख, ये अभी एक 100 किलोमीटर दूर तो आया हुआ है एक विलेज टाइप के इलाके में, और ये हाल है। क्यों इधर है ना यार, अगर और कोई हो ना हो, ये लांजो लामियन नहीं है, ये तो हर जगह होगा। जस्ट डू इट वाला ब्रांड भी है, देख बॉय वाला ब्रांड भी है, हर किस्म के ब्रांड है। अभी हम पहुंचने वाले हैं दीवाने खास रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। बस हमें मिली थी लेकिन वो हमने कैंसिल कर ली, और फिर हम ने दीदी कराई दीदी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रश था आज बीच में। और ये अभी हम भाई पहुंचने वाले हैं खाना खाने, और क्या नज़ारे हैं शेंजन के माशाल्लाह से, क्या सिटी है यार। ये भाई पहुंचे हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, और ये लड़के बहुत भूखे हैं, तबाह हो चुके हैं नहा नहा के। ये भाई हम भी पेट पूजा करते हैं फिर लगाएंगे कब। तो यहीं पे भाई वीडियो को करते हैं दी एंड, आज का टूर हो चुका है हमारा कंप्लीट, तो मिलते हैं अपने अगले टूर पे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से मज़ा आया होगा, चैनल को ठोको लाइक, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, एंजॉय करते हैं। I never thought I'd feel like this.